गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन लगातार दूसरे दिन गरीबों को कंबल बांटे और लोगों को में मास्क वितरित किया। शुक्रवार को सांसद ने जहां शहर के जरूरतमंदों को मास्क व कंबल वितरित किया था, वहीं शनिवार को भी यह क्रम जारी रखते हुए सांसद ने पिपराइच और करजहा के जरूरतमंदों को मास्क व कंबल वितरित किया। बढ़ती ठंड और शीतलहर से बचने के लिए कंबल पाकर गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सांसद रवि किशन ने सक्षम लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आएं और सक्रियता दिखाएं ताकि शुरू हो रही ठंड में किसी गरीब की मौत ठंड से ना हो सके। इसके लिए सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है, सबके सहयोग से अधिक संख्या में लोगों की मदद हो जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, जरा सी भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। मास्क व 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। बता दो सांसद रवि किशन जी है। पंचर बनाए के कितना ले ला? अरे 2100 ले ला, 2500 ले ला, 3000 ले ला। ये बड़ा है। हाँ, समस्या हुई तो कबो बताइएगा। नमस्ते, सांसद रवि किशन जी आए। कहा हाल भाव? और के बाद अरे ठीक और ये बच्ची यार झाड़ा पड़ा था। हाँ बाबू झाड़ा, अरे थोड़ा यार ध्यान लेके चीनी में घूमल कही रात के हम रात ही जा रहे हैं। सांसद जी दी हैं ए है आओ हम यहां रहो चाची, यहां रहो यहां रहो चाची, अरे चाची यहां रहो साहब, यहां है। हां देखना पाओ लाइव दिखा, चलो है इनको दिलाई। हाँ, बहुत मुश्किल था उनके लिए। आप लोग गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी आए हैं। आपको लाओ एक और दे दो चाची, आ जाओ चाची, आओ सांसद रवि किशन जी आज बना भाग्य। अरे का हमार भाग्य बाकी तो नहीं, लोगन का दर्शन हो गए। चलो भगवान बढ़िया से मिलता है।